अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। 16, 17 एवं 18 नवंबर 2019 72वें वार्षिक निरंकारी संत समागम समालखा हरियाणा में। समागम में आयोजित सामूहिक लंगर मानव मात्र में समानता एवं एकता का अद्भुत प्रतीक है। वैसे तो समागम में हर गतिविधियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना आए हुए श्रद्धालु सारी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और सारी व्यवस्था का आनंद भी लुटा रहे हैं, लेकिन सामूहिक लंगर इसका जीता जागता प्रमाण नजर आ रहा है। यहाँ देखने को मिलता है कि अपने बाजू में लंगर ग्रहण करने के लिए बैठा श्रद्धालु कौन से सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया है, इस बात की फिक्र किए बिना एक दूसरे को भोग लगाया जाता है। मिशन की सिखलाई के अनुसार यहाँ भेदभाव की सारी दीवारें धराशायी हुई नजर आती हैं और दीवार रहित संसार की ओर अग्रसर होने का प्रमाण यहाँ मिल रहा है। समागम स्थल को 4 मैदानों में बांटा गया है। समागम में जहाँ हर स्थान पर सफाई का ध्यान रखा गया है, वहाँ लंगर एवं कैंटीनों में हर प्रकार से सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लंगर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रबंध भी किया गया है। लंगर स्टील की थालियों में परोसा जा रहा है।
आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। कितने वर्षों जसपुर राजस्थान 1975 से आ रहा है। आपने लंगर कितने वर्षों से संभाल रहे हैं? 22 साल से लंगर संभाल रहा हूँ। इस लंगर में रोजाना कितने लाख महापुरुषों का भोजन बनता है? लगभग लाख सवा लाख का। इसमें क्या क्या सामग्री मिलाते हैं? रोटी सब्जी? आप रोटी है, सुबह को सब्जी देते हैं। अच्छा। जिसमें कम से कम 30-40 क्विंटल सब्जी बनती है। अच्छा। दोपहर को दाल चावल रोटी देते हैं। अच्छा। और रात को भी दाल चावल रोटी देते हैं। आपके साथ में कितने महापुरुष जुड़े हैं? यहाँ पर जो एक ग्रुप है कड़ाओं के ऊपर, ये 100 जवानों का है। यहाँ जो रोटियाँ ऐसे कैसे पूर्ति कर पाते हैं? रोटी जो है हमारी, इसमें एक तो गैस वाली है मशीन, दूसरी लकड़ वाली हमारी तवी हैं जो लकड़ी से रोटी बनती है, और 12 तवियाँ हमारी गैस वाली है। एक घंटे में मशीन के अलावा 20,000 रोटी लकड़ी वाली पे और गैस वाली पे बनती है, और 2500 रोटी मशीन एक घंटे में देती है। इस तरह से 22,500 रोटी एक घंटे में हम प्रोडक्ट करते हैं। हाँ जी। दोपहर का भोजन देने के लिए कितने घंटे पहले शुरू करते हैं? जी कंटिन्यू चलता रहता है, सुबह 5 बजे से हम शुरू कर देते हैं बनाना, और सारा दिन बनता रहता है, और रात को 11 बजे 12 बजे हम क्लोज करते हैं, 24 घंटे चलता है। कितने दिन रहते हैं यहाँ पर संभालते? मैं यहाँ पर ये सारा प्रोजेक्ट जितना भी तैयार करने में, मैं 10 सितंबर से यहाँ आया हुआ हूँ। हाँ जी, और तब से ये सारा प्रोजेक्ट सहयोगियों के साथ, हाँ मेरी मैडम आई है, मेरे बच्चा है, लड़के आए हैं, वो सारा परिवार इसी में इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो कढ़ाई बने हुए हैं वो कितने लीटर के हैं? कितने? हाँ, इसमें जो है एक कढ़ा है उसमें 5 क्विंटल दाल एक साथ बनती है, और बाकी कढ़ाओं में तीन किसी में ढाई बनती है। यहाँ की सब्जियों में दाल में नमक मिर्च का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? बिल्कुल देख कर बनाते हैं, पहले चेक कर बनाते हैं, जब वो पास हो जाती है तब कढ़ाई से निकालती हैं, जिससे कि मरीज आदमी भी खा सके और तंदुरुस्त आदमी भी खा सके। जो बड़े बड़े कढ़ाई है इनके अंदर ईंधन क्या यूज करते हैं? इसमें डीजल यूज करते हैं। हाँ, वो आपको दिखाता हूँ, अभी ब्लोअर चलता है जो ऑक्सीजन देता है, और तेल आता है, उसकी तेल की टंकी हमने 5,000 लीटर की एक जगह फिट कर रखी है, बाकी सारा समागम से दूर है या समागम के? नहीं, अंदर ही है जहाँ, और उसे पाइप के लाइन जरिए से सारा तेल हर एक कराए को दिया जाता है। हाँ जी। तो ये भी किसी मशीन के द्वारा आता है या? नहीं, वो प्रेशर से आता है, ऊंचाई से है, वो 5 फुट ऊंचाई पे, जी 5 फुट ऊंचाई से है। आपको कैसा लगता है ये सेवा देखकर? ये तो एक ऐसा है कि जिससे सेवा से ऐसी सेवा है पूरे सतगुरु की, कि जिसने हमें हमारी रूह को परमात्मा से जोड़ा। ये शरीर की सेवा नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा की सेवा है, और इससे क्या है मनोबल शरीर का भी बढ़ता है। मेरी उम्र 75 साल है, लेकिन मुझे कोई नहीं कहेगा, सभी कहते हैं नौजवान हो आप। ये सिर्फ सेवा का चमत्कार है, बाबा जी का चमत्कार है, कि जो मुझे इतनी हिम्मत और ताकत देता है, और ये सारे बच्चे जो मेरे साथ हैं ये इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मेरे साथ 2 खेतरिया संचालक हैं, एक श्री राजू जी हैं खटीमा के, और एक पवन जी है नगीना के, वो मेरे सहयोगी हैं। अलग अलग काम बांट देता हूं मैं, और अलग अलग देखते हैं। यहां पर जो कुकिंग जो करते हैं, इसमें मेहताब जी हैं मेरे सहयोगी मेन लांगरी, और दारा सिंह जी हैं मेन लांगरी, ये इनको इसको देखते हैं प्रोजेक्ट को। पवन जी रोटियों को देखते हैं, और जो राजू जी हैं वो ऊपर का काम सारा देखते हैं, और मैं तो बैठा सबको आदेश देता रहता हूँ। जी की सेवा आप करते हैं जी, जो महापुरुष नहीं आते इन समागमों में जी, जो अज्ञान है जी जी जी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको लिए ये देखेंगे कि जो मानुष देही इंसान को प्राप्त हुई है ये प्रभु की भक्ति के लिए हुई है। 84 लाख जोनियों में से एक मानुष देही प्रदान है, जिसमें परमात्मा की इबादत की जा सकती है, परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। हमारा जो सतगुरु है वो ये कहते हैं कि पहले अपने आप को पहचानो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानोगे तुम कौन हो। मैं इधर मिशन से आने से पहले अपने आप को शरीर समझता था, लेकिन सतगुरु ने मुझे बताया कि आप शरीर नहीं हो, आप तो चेतन सत्ता हो, आत्मा है, और आत्मा
को भक्ति करने के लिए ये स्वावसर मिला है, मानुषी मिली है, जिससे कि तुम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। और इसी एक ज्ञान के ऊपर हम सब जितने भी यहाँ वॉलंटियर हैं, बिना पे विदाउट पे है, कोई 15 दिन सेवा करता है, कोई महीना करता है, कोई 2 महीने करता है, कोई 8 दिन करता है, अपना पैसा खर्च करके आते हैं और गुरु के इश्क में ये सारे ही। जैसे पुरातन बात है कि कृष्ण ने बंसी बजाई और गौएं सारी भागी आई, ऐसी ही अवस्था ये है कि सतगुरु ने ये नारा दिया, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाए। ये एकता का सूत्र है, एकता का सूत्र है, प्यार भाईचारे का जहाँ पर संदेश है, इंसानियत से इंसानियत के मिलाने का संदेश है, जिसमें सारे एक डोरी में बांध कर इस ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस प्यार को। क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो। ये प्यार का ही एक सैलाब है जो दिन रात तरक्की करता जा रहा है, पूरे विश्व में छा रहा है। 75 देशों में हमारी निरंकारी सत्संग हो रही है और वहाँ पर ये पाक और पवित्र संदेश आत्मा से परमात्मा को मिलन का, जैसे कबीरदास जी ने ये बात कही है, जब तक ना देखूं अपने नैने, तब तक ना मानूं गुर के कहने, जब देखूं तब गाऊं, फिर गाए का फल पाऊं। इसी तरह ये सब परमात्मा को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और उसी सूत्र के ज्ञान में बंध कर मानव की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा जी कहते हैं नर पूजा नारायण पूजा, और इसी को लेकर ये सारे वॉलंटियर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। प्यार से बोलना नानंकार जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।